हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे NR नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पंचायत सहायक DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको एक फ़ोटो यहां पे संलग्न करना होगा, चिपकाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम यानी कि आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना होगा, पिता एवं माता का नाम लिखना होगा। दोस्तों, नाम आप वही डालें जो कि आपके हाई स्कूल में दिया गया हो। जन्मतिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, आयु 1 जुलाई 2021 तक आपकी आयु क्या हो चुकी है यानी कि आप कितने वर्ष कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। दोस्तों, आयु निकालने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप वहां जा करके अपनी आयु निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर आता है कि आपका जेंडर क्या है, महिला हैं कि पुरुष हैं, अन्य हैं, तो इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लें जो हैं आप। उसके बाद दोस्तों, आपका आता है श्रेणी, आप जिस श्रेणी के हों यानी कि SC ST या OBC या जनरल, जिस कैटेगरी के आप हों उस कैटेगरी को आप डाल दें। पत्र व्यवहार का पता, दोस्तों आप ऐसे पते को डालें जिस पते से आपका डाक का आना जाना या जिस पते से आपकी पहचान हो। उसके बाद दोस्तों, आपका आता है मोबाइल नंबर। दोस्तों, मोबाइल नंबर आप वही डालें जो मोबाइल नंबर आपका हमेशा चालू रहे। दोस्तों, इसके बाद आपका आता है शैक्षिक योग्यता। जैसा कि आपको पता है ये वैकेंसी 10+2 पे आई हुई है, तो इसमें आपका परीक्षा का नाम हाई स्कूल पहले आप इसको डालेंगे, उत्तीर्ण करने का वर्ष यानी कि हाई स्कूल आपने पास कब किया वो डालेंगे, उसके बाद बोर्ड क्या है, आप किस बोर्ड से पास किए हैं तो आप अपना बोर्ड डाल दें, कोई यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड, अगर CBSE तो CBSE। यूपी बोर्ड में जो विषय होते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस यही होते हैं, जबकि CBSE में नहीं पता दोस्तों, वो अपना देख करके भर लें। दोस्तों, इसके बाद आता है श्रेणी, आप किस श्रेणी से पास किए हैं, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, और टोटल प्रतिशत आपका क्या है हाई स्कूल का, वो आप यहां डालेंगे। दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्रम संख्या 2, परीक्षा का नाम, इसमें इंटरमीडिएट डालेंगे यानी कि इंटर डालेंगे, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष। दोस्तों, जब आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है इंटर की, वो वर्ष डाल दें। उसके बाद बोर्ड पूछेगा, जिस बोर्ड से आपने इंटर को क्वालिफाई किया है उस बोर्ड को आप डाल दें, अगर यूपी बोर्ड तो यूपी बोर्ड, नहीं तो CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड डाल दें। यूपी बोर्ड में जो विषय होते हैं वो 5 विषय होते हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो अपना ऐसे सीक्वेंस में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपका आता है क्रम संख्या 3, इसमें परीक्षा का नाम यानी कि दोस्तों ये आपके अनुभव से रिलेटेड है, यहाँ पे आप अनुभव से संबंधित कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं, जिसमें आपका परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष यानी कि वो जो अनुभव है आपने कब किया है, कौन से वर्ष में किया है, वो कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, उसमें विषय क्या क्या थे, जैसे आपने मान लीजिए DCA किया है तो DCA में आपका बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, तो वो सारी जानकारियाँ इसमें आप भर दें जो कि आपके सर्टिफिकेट में दी गई हों। उसमें आपने किस श्रेणी से पास किया है वो आप डाल दें, प्रतिशत क्या था आपका वो डाल दें। उसके बाद आपका आता है कार्य का अनुभव, वर्ष में अंकित करें। दोस्तों, आपने जिस अनुभव से संबंधित सर्टिफिकेट लगाई है वो कितने वर्ष में, उसको आपने कितने वर्ष किया है, तो आप अपना यहाँ वर्ष डाल दें कि आपने कितने वर्ष तक इस पे कार्य किया है। दोस्तों, उसके बाद आपका आता है COVID-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में आवेदन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति COVID-19 से मरा हुआ हो तो हाँ उसको कर दें, अगर नहीं है तो उसको नहीं कर दें। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है, भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न है। दोस्तों, इसमें आपको दस्तावेज से संबंधित बात बता दें, आप इसमें अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट आय जाति निवास आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड की जगह पर निवास मौजूद है तो इसलिए आपको आधार कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लगा दें तो बेहतर ही होगा। दोस्तों, इसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज की बात करें तो इसके साथ आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट और अनुभव के रूप में जो आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है वो सर्टिफिकेट प्लस आय जाति निवास आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं अगर आप निवास ना लगाए हो तो। उसके बाद दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन ये कम्प्लीट हो जाए तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास जा करके मोहर और सिग्नेचर लगवा करके उसके पास जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे संबंधित कोई और प्रश्न आपको करना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के और भी अपडेट्स आएँ तो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।